तो आप देख सकते हैं मैं एक डिफरेंट अवतार में हूँ। जी हाँ, मैंने पहनी है साड़ी। क्या आप गेस कर सकते हैं ये क्या फैब्रिक है? क्रेप एक ऐसा फैब्रिक है जिसे वीव करके या फिर ट्रीट करके बनाया जाता है। यूजुअली ऐसे फैब्रिक ट्रीटमेंट का रिजल्ट यूनिक रिपलिंग या फिर थ्री डायमेंशनल टेक्सचर लाता है। जो भी गारमेंट या टेक्सटाइल प्रोडक्ट क्रेप से बनता है वो जनरली बहुत डेलिकेट होता है और उसे आप किसी भी ओकेजन या सेरेमनी पर कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर इस क्रेप का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। कॉटन क्रेप फ्रांस में बना था, वहीं सिल्क बेस्ड क्रेप चाइना में बना था। पहले क्रेप सिर्फ सिल्क से बनाया जाता था, लेकिन अब ये वूल, कॉटन, रेयन, पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकता है। क्रेप यान से बनता है और इसे हार्ड ट्विस्टिंग प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। इसमें एस और जेड ट्विस्ट दिए जाते हैं ताकि यान का टेक्सचर बाउंसी हो जाए। कभी राइट हैंड ट्विस्टिंग तो कभी लेफ्ट हैंड ट्विस्टिंग से बनाया जाता है। इन सभी तरीकों से क्रेप यान बनती है। एक बार क्रेप की यान मैन्युफैक्चर हो जाए फिर उसे ट्रीट, डाई या फिर गारमेंट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। क्योंकि क्रेप फैब्रिक काफी डेलिकेट होता है, इससे स्कार्व्स, इवनिंग वेयर या फिर लाइट तरीके की क्लोदिंग में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वूल क्रेप सिल्क क्रेप से ज्यादा ड्यूरेबल है। इसका मतलब आप इससे हैवी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ड्रेसेस या फिर स्वेटर्स। क्रेप गारमेंट्स जो कि सिल्क और वूल से बने हैं वो काफी कंफर्टेबल भी होते हैं, और तो और ये आपको आर्म ड्रेसेस से स्टैंड आउट करवाएगा, क्योंकि ये कपड़ा आप वेडिंग्स पर, फैशन फोटोशूट्स पर और हाई क्लास पार्टीज में भी कैरी कर सकते हैं। वैसे तो क्रेप की बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन हम आपको यहाँ 5 वैरायटीज के बारे में बताएंगे। एरोफेन, एरोफेन जो है इसका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट होता है। ये गॉस टेक्सचर कहलाता है और ये मिड 19th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर था। फ्रेंच क्रेप, इसे कभी कभार फ्लैट क्रेप भी बुलाया जाता है और ये ज़्यादातर आपको लॉन्जरी में देखने को मिलेगा। कैंटन क्रेप, ये क्रेप चाइना में बनाया गया था और आज भी एशियन गारमेंट्स में आपको ये क्रेप देखने को मिलेगा। क्रेप डे सांटे, इसे हेल्थ क्रेप भी बुलाया जाता है, ये रफ और अनडाइड होता है। क्रेपलाइन, ये एक ब्रांडेड क्रेप है जो कि 1800 में हमारे साथ था और आज भी है। मॉडर्न टेक्सटाइल प्रोसेसेस के जरिए इसके अंदर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। वेल, प्लेन क्रेप का प्राइस, अगर हम मिनिमम प्राइस रेंज की बात करें तो इट्स 30 रुपीज पर मीटर। वहीं अगर मैक्सिमम प्राइस रेंज की बात करें तो इट्स 150 रुपीज पर मीटर। प्रिंटेड क्रेप की बात करें तो मिनिमम रेंज होगी 35 रुपीज पर मीटर और मैक्सिमम रेंज होगी 110 रुपीज पर मीटर। वहीं मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्राइस में नहीं जाएंगे। आप अपने लोकल रिटेल स्टोर से भी इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये पूछना ज़रूर पसंद करूँगी कि आपको क्या लगता है मेरी क्रेप साड़ी कितने की होगी? एनी गेसेस? और ये क्या, ये कौन सा क्रेप है जो मैंने पहन रखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।